सो गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे एक नया जीडी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जीडी टॉपिक है टेलीविजन, इफेक्ट ऑफ टेलीविजन इन यूथ्स। ठीक है, किसी के ऊपर भी हो सकता है, बट उससे पहले कुछ बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। भाई पोल किया था मैंने और बोला था कि बताओ भाई किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाए, अभी जो नए बैच की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाए कि एयरफोर्स फेज सेकेंड की। तो बेसिकली कैंडिडेट्स ने यहाँ पे वोट कर दिए हैं फेज सेकेंड के लिए, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ, एयर साइंस एंड जीके की प्रिपरेशन यहाँ पे अभी स्टार्ट कराने वाला हूँ। बट गाइज अभी तो एयरफोर्स फेज सेकेंड के लिए जो होने वाला है जल्दी वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। भाई आप अपने टॉपिक से जरूर कमेंट करिए, ठीक है। जिस टॉपिक के ज्यादा कैंडिडेट होंगे मैं वो टॉपिक पहले कंप्लीट कराऊंगा, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। और जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, ये कैंडिडेट अभी आस्क किया गया था हाल ही पे बैंगलोर सेंटर पे एंड मुंबई सेंटर पे। एंड अगर आप नहीं कमेंट करते तो मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा। ओके सो चलते हैं। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है, आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मुझसे बात करनी है चैट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। चौहान अंशु 29 मेरा ये यूज़र नेम है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बेसिकली अगर आप करना चाहो या कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो आके। पहला नंबर तो याद रखना भाई अपना इंट्रो बिल्कुल धमाकेदार तैयार करके रखना, इंट्रो का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मैंने इंट्रो करा भी रखा है, 3 to 4 वे से बताया। बेसिकली मैंने जो इंट्रो का वीडियो दिया उसमें आप लास्ट वाला कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। और इंट्रो देने के बाद आपको 30 सेकेंड टॉपिक पर बोलना होता है और पूरा का पूरा सब कुछ इंग्लिश पे ही बोलना होता है। इंट्रो 30 to 40 सेकेंड मैक्स इतना करना भाई, पेरेंट्स वगैरह का मत ऐड करना, ठीक है। कुछ और भी मत बताना, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस ऐसे कुछ मत बताना, अपने बारे में बोलना जैसे कि आई एम राहुल राय, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग दिस लवली सिटी एंड माई एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। आप इतना भी बोल सकते हो, माई फेवरेट हॉबी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो, ठीक है। बस इतना, अभी अपना केवल नेम भी बता सकते हो और अपना अभी क्या कर रहे हो ये बता सकते हो, एंड फिर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये बता सकते हो। ये कुछ नहीं बताओ, अपना नाम बता दो और टॉपिक पे बोलने लगो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है अपना पूरा इंट्रो देने से, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है भाई। अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट के साथ में मैंने देखा है और फील किया है, सो आपके साथ में शेयर करने पर मुझे लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न भाई यहाँ पे मैंने 3 वेज पे, 3 वाइज मतलब पॉइंट्स पे लिख रखा है, टाइप कर रखा है, ठीक है। तो इस पे भाई टाइप वगैरह करने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, आप सभी समझ सकते हो, ठीक है। बट अपने को चलो कोई बात नहीं, वो देखते हैं। बट आपको भी यहाँ पे अपने पॉइंट रखने पड़ेंगे कि सर ये बताओ, जैसे कि देखो भाई मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, आप इसके बारे में क्या थिंक करते हो, आपको ये भी बताना पड़ेगा ना। मेरे कहने पर से थोड़ी हो जाएगा, मैं अभी बता दूंगा। मैं 3 वे में बता रहा हूँ बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिख रखा है, 3 में से आप कोई भी कंप्लीट कर लो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेलीविजन मतलब टेलीविजन का क्या प्रभाव पड़ता है अपने आप पर। आप हिंदी पे सोच सकते हो, टेलीविजन मतलब अपने ऊपर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं कुछ लोग खराब। देखिए कुछ टेलीविजन का हमारे लाइफ में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कभी कभी उनसे ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जिनसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये हमें निगेटिव वेज इन अ रॉन्ग वे भी ले जाती हैं, बट अपने ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ये सब हिंदी पे तो थिंक कर सकते हैं बट हिंदी मतलब इंग्लिश पे कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलने का भाई देखो कुछ मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है, पहले अपना इंट्रो देना है, थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना है, और उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन का टास्क आए तो आपको केवल इतने इतने पॉइंट्स बोल देने हैं। चलो हेलो फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द टेलीविजन इज गुड फॉर गेन नॉलेज एंड कनेक्टिविटी आफ्टर द इंटरनेट। मतलब कि टेलीविज़न एक इन माय पॉइंट ऑफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीविज़न अ गुड फॉर्म, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नॉलेज इंक्रीज मतलब अपना बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं, गेन करते हैं मतलब प्राप्त कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी अपने मतलब इंटरनेट के बाद इससे कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। इफ़ वी सी इन अ पॉजिटिव वे इट इज ऑल्सो गुड फॉर इंटरटेनमेंट। अगर हम इसे पॉजिटिव वे से देखें तो अपने लिए गुड इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे हम अपना टाइम है जो पास कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम बोर हो रहे हो तो। ऐसा इट हैज़ ए साइड इफेक्ट, मतलब इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होता है। हु सी टेलीविज़न लॉन्ग टाइम इट इज़ ऑल्सो केस्ड ऑफ आई रिस्ट, मतलब कि आँखों के लिए जो ज़्यादा टाइम देखते हैं आँखों के लिए बहुत बेकार होता है, ठीक है। अब देखो भाई इतना तो बिल्कुल सिंपल वे में था, अगर आपको कुछ नहीं कंप्लीट ना इतना से केवल कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप इतना भी बोलते हो आपका जीडी अच्छे से आपके ग्रुप का अच्छे से परफॉर्म हुआ है, आपने इतना बोला है आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप का था, नेक्स्ट वाला देखते हैं। टेलीविज़न हैव इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ,
ठीक है, अच्छा है कि इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेलीविज़न अपने लाइफ पे। बिल्कुल सही बात है, सही। अभी तो मान लो स्मार्टफोन का मतलब देखो, यहाँ पे स्मार्टफोन का भी बेसिकली आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि स्मार्टफोन में बट आप एग्जांपल व्हाट्सअप एंड सोशल मीडिया का एंड मतलब डिस्कस कर सकते हो, बट टेलीविज़न पर सोशल मीडिया का डिस्कस नहीं कर सकते हो। चाहो तो कर सकते हो न्यूज़ वगैरह के थ्रू, कि टेलीविज़न के थ्रू, अगर मान लो इंटरनेट नहीं होता तो इसके थ्रू हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पे इट है वो आल्सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट रखता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है और सही बात है, बट इट डिपेंड ऑन अ पीपुल हाउ दे यूज इट। ये पीपुल्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर, भाई मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन ऑल्सो से गाइज दैट इट डिपेंड ऑन यू दैट हाउ कैन वी यूज इट, बिकॉज गाइज अगर हम इसे पॉजिटिव वे से यूज करेंगे देन इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अस। फॉर अस एज कंस्ट्रक्टिव वे और डिस्ट्रक्टिव वे आर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड मोबाइल फोन एंड हैवेंट कनेक्टेड विद इंटरनेट हाउ दे कैन गेट नॉलेज। मतलब जिनके पास, चलो जो को मोबाइल जो जो भी मोबाइल अफोर्ड कर लेता है, जिनके पास इंटरनेट है, वो तो अच्छी बात है। जो ये नहीं अफोर्ड कर पाता, वो कैसे ये नॉलेज इंक्रीज कर पाएगा, मतलब वो कैसे जो वर्ल्ड की दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उससे कैसे कनेक्ट, उसका नॉलेज कैसे गेन कर पाएगा। एज वेल एज हु पीपुल नॉट अफोर्ड टू सी लाइव मैचेस, शोज, डिबेट्स एंड मूवीज, दे कैन इजिली वॉच दैट थिंग्स ऑन अ टेलीविजन। अगर उनके पास ये फ़ोन वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा नहीं ये थिंग्स हैं, ठीक है, तो उसके वो कैसे ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई शो हो, डिबेट हो, मूवी हो, या फिर अब केवल मूवी, देखो मूवी भी काफ़ी टाइप्स की मूवी आती हैं, ठीक है, मूवीज़ पे भी आपका आस कर सकता है। मूवीज़ एक अपने आप में एक जीडी टॉपिक, अनदर जीडी टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो आप मूवी के ऊपर बोल सकते हो, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप बहुत सारे वर्ड्स आपके पास होंगे, ठीक है। एंड मूवीज दे कैन इजली वॉच बैड थिंग्स ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बिकॉज एनी कंपनी हु लॉन्च्ड न्यू गैजेट सो दे विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन दे अवेयर द पीपुल एंड मेक पीपुल क्यूरियस अबाउट दैट। मतलब कि टेलीविजन के थ्रू वो लोग बताते हैं कि ये क्या कैसा गैजेट है, क्या क्या, मतलब जैसे कि आप अनबॉक्सिंग मान सकते हो। अभी तो फ़ोन वगैरह पे आप सभी देख लेते हो, बट फिर भी टेलीविजन वगैरह पे भी ऐसा होता है, और वो हम लोग मतलब उसके प्रति, जानने के प्रति और क्यूरियस होते हैं, मतलब उत्सुक होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। भाई मैंने तो बोल दिया, मैं तो फेवर में चला गया यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं, अभी कुछ निगेटिव भी होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग तो किसी का नहीं रहने वाला, मैंने गुड मॉर्निंग कर दिया, बट यहाँ पे गुड मॉर्निंग किसी का नहीं रहने वाला, गुड आफ्टरनून होगा या फिर गुड इवनिंग तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन टेलीविज़न इज़ अ मेजर रोल प्ले इन द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी पे। नेक्स्ट है, इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइड फॉर यूथ। बिल्कुल सही बात है, बट अच्छे अगर हम उसे सही ढंग से यूज करें तभी है। मोबाइल फ़ोन का भी एग्जांपल बिल्कुल सेम ले सकते हो। इट इज़ आल्सो अ गुड थिंग फॉर इनहेंस द नॉलेज एज वेल एज इट इज़ बैड वन। ठीक है, मतलब एक अच्छी चीज़ अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, बट बुरी भी है, ठीक है। देयर आर मैनी चैनल्स प्रोवाइडेड, देयर आर सम चैनल्स सच एज न्यूज, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, डिस्कवरी, किड्स चैनल्स, बट नाउ मोर इन फैक्ट इन टेलीविजन नाउ डेज मोबाइल्स आर मेजर रोल प्ले इन द सोसाइटी। मतलब गाइस यहाँ पे आके हमने फिनिश कहाँ से किया कि अभी तो मोबाइल अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और अपना टेलीविज़न भी मतलब रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे थ्री वेज से मैंने लिखा था आपके लिए, अब आपके जो पॉइंट हो वो आप बता सकते हो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीविज़न को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टेलीविज़न के, अगर थोड़ा सा टेलीविज़न के बारे में बता दूं, तो टेलीविज़न जो 1982 पे कलर टेलीविज़न आया था फर्स्ट टाइम इंडिया पे 1982 पे, और बोलने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ रहेगा। आप अगर जो भी बोलना चाहो, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबके पास पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट होते हैं, और आप कुछ भी भाई बोल सकते हो, ठीक है। आप अपने पॉइंट बताना कि आप क्या थिंक करते हो इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न इन यूथ्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है टेलीविज़न का यूथ पे, ठीक है। और देखो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बताऊँ, तो एक टेलीविज़न है ना, इसका निगेटिव इफेक्ट भी होता है। कैसे, मान लो सभी तो ज़्यादा करके बैड थिंग्स की, और अभी कुछ भी चीज़ है सोशल मीडिया पे, अगर वो बुरी चीज़ है तो वो ज़्यादा तेज़ से फैलेगी, और जो अच्छी चीज़ है वो कम तेज़ी से फैलेगी। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, ये बात बिल्कुल सही है।
तो अगर ऐसा है तो आप सभी को समझना चाहिए, ठीक है। और आप सभी यही पॉइंट्स बोल रहे हैं कि मतलब अगर मतलब ये बताना होगा आपको वहाँ पे कि मतलब कोई भी चीज़ है तो इतना फास्ट, और इंग्लिश का टेंशन मत लो, थोड़ा बड़ा बस स्पीक कर लेते हो कि बिल्कुल फ्रैंक बोलना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भी जो आपके डाउट हो बेझिझक मुझसे आस्क करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब लक के लिए गाइज बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।